सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक मोगंज लक्ष्मण तिवारी द्वारा स्थानीय काफी हाउस में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस एवं भाजपा पर आरक्षण का आरोप लगाते हुए 1 अक्टूबर को स्थानीय पद्मधर पार्क में सभा आयोजित करने की जानकारी देते हुए कहा कि 14 दिन के दरमियान हमने जहां संभाग मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर प्रेस के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचे थे, 23 तारीख से लगातार जनसभाओं में हैं। प्रत्येक दिन जनसभा हो रही है, जिसमें मऊगंज से शुरू होकर नईगढ़ी, दमोह, कटनी और भोपाल और दमोह तक हम जनसभाओं के माध्यम से पहुंचे हैं। जो आगामी हमारा प्रोग्राम है वो 1 अक्टूबर को रीवा के पंधर पार्क के मैदान पर, चूँकि रीवा शहर में और रीवा के आसपास कोई ऐसा मैदान नहीं है, जो मैदान बाहर है शहर से उसकी क्षमता हमारी अभी नहीं हो सकती, सत्य को स्वीकार करने से हमें परहेज नहीं है, परंतु जिन लोगों की उन मैदानों पर सभा होने का संभावना थी वो पीछे अभ्यास में आया है कि फेल्यूर है। मुझे किसी दल की बात नहीं करना है, मगर अभी कई नेता, राष्ट्रीय नेता यहाँ आए थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि चौराहे से और चौक बंद होकर स्टेडियम या किसी बड़े मैदान तक चले जाएं। उनको डर है कि कहीं लोग बहिष्कार न करें, उनको डर है कि जो इस समय जूता पत्थर फेंकने का ये दौर चल रहा है उसकी संभावनाओं को आहट पाकर मैदान तक नहीं जा सके। और इतना ही नहीं, पुलिस के साये में आकर बिना कोई सार्थक बात का चीत किए हुए एक दल के राष्ट्रीय नेता लौट गए हैं और दूसरे दल के आने वाले हैं। मैं इस बीच रीवा संभाग के उन तमाम बुद्धिजीवियों, किसी भी वर्ग जात के लोग हों जो योग्यता का आदर करते हों, समाज में समरसता चाहते हों, भाईचारा को पूर्वजों की तरह और गांव के वातावरण को कायम रखना चाहते हों और लोकतंत्र में आस्था रखते हों, उनसे अपील है कि 1 तारीख को जो ये हमारा सम्मेलन होने जा रहा है इसमें आप 1 घंटे 2 घंटे का समय, 1 दिन का कीमती समय निकालकर पंधर पार के मैदान तक आएंगे, इस विश्वास को कायम रखेंगे ताकि मैं पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे ले जा सकूं। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बात इस प्रदेश में और देश में हो रही है। मैं समाचार के पत्र के माध्यम से कल एक खबर पढ़ी जिसमें एक महिला कहती हुई फोटो के साथ ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अस्मिता सुरक्षित नहीं है, सब कुछ लुटाना पड़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रदेश प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं सवाल कि इस महिला का बयान सत्य है या आपकी टिप्पणी इसमें नहीं आई, आपका क्या कहना है? कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस में तो जो कृत्य किया यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आपके बिरादरी से या कहाँ से झटक लाए मैं नहीं जब कहना चाहता हूँ, इसलिए कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं मुझे। पर जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात कर रही है, जो स्वाभिमान की बात कर रही है, जो राम मंदिर की बात कर रही है, राम मंदिर तो बनाने का अध्यादेश नहीं लाए, धारा 370 का अध्यादेश नहीं लाए, समान आचार संहिता का अध्यादेश नहीं लाए, और अध्यादेश लेके आए जिन्होंने इनको सींचा, बढ़ाया, पाला, पोसा, सेवन किया, उनके लड़के को गला काटने, उनके औलादों को गला काटने के लिए अध्यादेश लाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये मेरी चुनौती है, ये सवर्ण इस देश का बर्दाश्त नहीं करेगा, और 1 लक्ष्मण नहीं, 1 करोड़ लक्ष्मण अभी तक इस कार्यक्रम में जुट चुके हैं, 1 करोड़। मैं आपके माध्यम से ये भी कहने के लिए यहाँ आपको बुलाया हूँ कि मैं जब आया कल भोपाल की रैली के बाद रीवा, तो मुझे लगा कि कोई रंगीन मेला लगा है क्या रीवा में। नेता कांग्रेस के परिवार नियोजित है, हम दो हमारे दो,
नेताओं का तो यह हाल है, पर झंडा बैनर ये काला धन इतना दुरुपयोग हुआ है। रीवा की जनता, मेरे संभाग के लोगों सुन रहे हो अगर मेरी आवाज, ये धन कहां से आया, ये धन किसका है, ये धन का उपयोग किस तरह से होना चाहिए। इसीलिए सवर्ण समाज पार्टी की आपातकाल संसदीय दल की बैठक हुई है, रामजी शुक्ला जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने निर्णय किया है और एज ए अध्यक्ष मैंने निर्देश दिया है पार्टी को कि कोई भी कार्यक्रम होंगे होल्डिंग बोर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे चुनाव में।